हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर्स। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक पोल है, तो इलेक्ट्रिक पोल को भी हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मान लेते हैं मेरा इलेक्ट्रिक पोल है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक पोल पे एक फॉल्ट आया है, मान लेते हैं कहीं खराबी आया होगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आया है और जो इलेक्ट्रिशियन है रिपेयर वर्क करने के लिए, उस फॉल्ट को सुधारने के लिए इलेक्ट्रिक पोल के सबसे टॉप पे नहीं गया है, वो टॉप से 1 मीटर नीचे ही गया है। ठीक है, यहीं पर पहुंच के वो रिपेयर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर That he should use, which when inclined and at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position. ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिशियन है जो भी लैडर यूज करेगा, ठीक है ना, सीढ़ी जो भी यूज करेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, उस लैडर का लेंथ क्या होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, लैडर को ऐसे इंक्लाइंड रखा गया है कि ग्राउंड के साथ वो 60 degree का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लैडर को ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लेते हैं लैडर है, सीढ़ी है कुछ ऐसे, और ये ग्राउंड के साथ 60 degree का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो टॉप से 1 मीटर नीचे है। ठीक है, और इस पोल का टोटल पोल का हाइट दिया है जो कि 4 मीटर है। ठीक है ना, हाँ 4 मीटर, तो ये टोटल हाइट 4 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर हम पॉइंट्स का नेमिंग कर लेते हैं। पॉइंट्स का नेमिंग, इसको ए, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, ये सी और इसको डी। ठीक है, तो हमसे वही पूछा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट ही शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 degree टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। ठीक है, हमसे लैडर का लेंथ पूछ रहा है कि लैडर का लेंथ, सीढ़ी का लेंथ कितना होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखेंगे, ये जो AC है ये भी तो 1 मीटर होगा। ठीक है, अगर ये 1 मीटर है तो यहाँ पे BC कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे लेट ए बी बी द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, एंड सी डी बी द लेंथ ऑफ लैडर। ठीक है, यहां तक। और हमको क्या क्या दिया है, ए बी का लेंथ मालूम है, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 4 मीटर, और ए सी कितना होगा, 1 मीटर होगा, तो ए सी इज इक्वल टू 1 मीटर, और ये 1 मीटर होगा, तो बी सी कितना हो जाएगा, 4 - 1 जो कि 3 हो जाएगा, तो यहां से बी सी आ जाएगा 3 मीटर। क्लियर है, ये समझ में आ रहा होगा कि ए सी हम यहां पे क्यों 1 मीटर लिए हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिशियन है वो सी पॉइंट पे गया है और ये जो सी पॉइंट है टॉप से 1 मीटर नीचे है। ठीक है, तो इस कारण से AC कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, BC का लेंथ कितना है, यहां पे BC भी यहां पे 3 हो गया। अब हमको CD का लेंथ निकालना है, और CD क्या है, लेंथ ऑफ लैडर है, तो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ लैडर को x मीटर। ठीक है, और हमको x फाइंड करना रहेगा। तो यहां पे एक हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल CBD, इसी का यूज करके हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना, ये लाइन टेढ़ा हो गया है। चलो तो अब देखेंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल CBD, इन राइट ट्राइंगल CBD। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे थीटा क्या है, 60 degree, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस है, तो यहां पे परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे, साइन या फिर कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक तो साइन का रेशियो पगल होता है, तो यहां पे हम साइन यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा कितना है, 60 degree, परपेंडिकुलर BC और बेस, सॉरी हाइपोटेनस क्या है, CD। तो यहां से साइन 60 degree का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, BC का लेंथ 3 है और CD को CD छोड़ देते हैं। ठीक है, x मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल है, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये CD हो जाएगा, तो √3 CD इज इक्वल टू 2, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2, तो यहां से CD कितना आ जाएगा, CD इज इक्वल टू 6/√3। ठीक है, यहां तक।
अब हम चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो यहां से सी डी इज इक्वल टू 6/√3, ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 6√3 डिवाइड बाई √3 × √3 जो कि 3 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो सी डी का लेंथ आ जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि √3 का वैल्यू 1.73 पुट करने के लिए, तो वहां से क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 2 × 1.73, सॉल्व करेंगे 3 × 2 = 6, 3.46 मीटर, और सी डी क्या था, लेंथ ऑफ लैडर, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 3.46 मीटर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया है और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में भी है। ठीक है, तो अगर एक ही वेरिएबल तो एक्स मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सी डी ही ले लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर, होप कि इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, अगर कहीं दिक्कत है उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।